बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फैरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज मैं क्लास टू को सब्जेक्ट जीएस का यू नंबर 5 डिलीवर करूँगी। जैसा कि स्टूडेंट, यू नंबर 5 में मैंने आपको पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और एनिमल्स की कितनी टाइप्स हैं। एनिमल्स की 2 टाइप्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसा कि मैं आपको वाइल्ड एनिमल्स पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं और दूसरे जानवर को खाते हैं। इसी तरह मैं आज आपको डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं इसका मतलब है घर में पाले या सुधारे हुए जानवर। अब मैं आपको डोमेस्टिक एनिमल्स की डेफिनेशन बताऊंगी। सम एनिमल्स कैन बी टेम, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम अपने घरों में रख कर उसको सुधार सकते हैं। सम एनिमल्स लीव आवर हाउसेस, ठीक है, जो सम एनिमल्स हैं उनको हम अपने घरों में पालते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम फार्म्स पे पालते हैं। वो कैसे, जो हम घरों में एनिमल्स पालते हैं जो वो साइज़ में छोटे होते हैं, लाइक जैसे डॉग कैट, और जो हम फार्म्स में एनिमल्स को रखते हैं उसमें काओ हॉर्स आ जाते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं वो हमारी किस तरह मदद करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट जो है वो हमारे घरों में माइस जो चूहे होते हैं उनको ख़त्म करती है। जैसा कि हम लोग को पता है जो चूहे हैं वो हमारे घरों में हमारे क्लॉथ और बाकी जो अशिया है खाने पीने वाली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह डॉग जो है वो हमारे घर की देखभाल करता है एज अ गार्ड। सेकेंड पे है एनिमल्स गिव अस मैनी थिंग्स, लाइक जो एनिमल्स हैं वो हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे गोट काओ, ठीक है, वो हमें दूध देते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसी तरह ये हम इनका गोश्त भी खाते हैं जो हमारे लिए बहुत मुफीद है। और कुछ जानवर जो हैं जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, हैन डक्स, ये एग देते हैं, अंडे। इसमें स्टोरी में आपको बता दूं जो एनिमल्स हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं। हम इनसे क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म है उसे हम सिल्क स्कार्फ, सिल्क क्लॉथ, सिल्क कर्टन हासिल कर सकते हैं। शीप, जो उसकी खाल है उसे हम वोलन स्टॉल स्वेटर बना सकते हैं। इसी तरह जो काओ की खाल है उसे हम लेदर जैकेट, लेदर बैग और शूज़ वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेबी एनिमल्स, एनिमल्स के बेबीज। मैनी एनिमल्स हैव बेबीज लाइक लुक लाइक देम, जो इनकी तरह दिखाई देते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके जो बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते। फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स इन वाटर, फ्रॉग्स और जो फिश हैं वो पानी में अंडे देती हैं। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई, जो फिश के बेबी होंगे उसको हम फ्राई बोलेंगे। बेबी फ्रॉग आर कॉल्ड टैडपोल, जो बेबी फ्रॉग्स हैं उसको हम टैडपोल्स बोलते हैं। और ये जो बेबी फ्रॉग और बेबी फिश हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते। स्टूडेंट्स, आज हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिनको हम घरों में पालते हैं, उनको सुधारते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स हैं वो हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे काओ गोट वो हमें दूध और मिल्क देती हैं, हैन डक ये हमें एग्स देती हैं, सिल्क वॉर्म से हम सिल्क स्कार्फ, शिप और शिप की जो ऊन होती है उसे हम स्वेटर बनाते हैं। इसी तरह मैंने आपको आज ये भी बताया जो बेबी एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। जो बाज़ एनिमल्स हैं उनके जो बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, और जो बाज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते। इसमें फ्रॉग और जो फिश हैं उसके जो बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।